हे गाइस, दिस साइड सीए कोमल त्यागी। जैसा कि मेरा थंबनेल है कि 3 साल की आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। एक्चुअली मैं अपने एक क्लाइंट का केस बना रहा था, उसने पुराने सालों में अपनी रिटर्न नहीं भरी थी 2014-15 और एसएससी को एमसीटी डिपार्टमेंट के थ्रू कोई काम कराना था, उसके लिए पुरानी फाइल की रिटर्न भरनी जरूरी थी। तो चूंकि उसकी रिटर्न तो भरी नहीं गई थी, तो हम एनालाइज कर रहे थे कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि हम पास्ट ईयर के रिटर्न भर दें। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। सेक्शन 119 ये कहता है कि अगर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर एसएससी ने कोई रिफंड एसएससी का बनता था या एसएससी रिटर्न अपनी फाइल नहीं की एसएससी ने, तो एसएससी रिक्वेस्ट कर सकता है, डिपार्टमेंट में जाके एक एप्लीकेशन दे सकता है और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे डिपार्टमेंट उस की कंडोनेशन कर सकता है और वहां पे जो पोर्टल होता है, पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन एनेबल कर सकता है और उसके बाद एसएससी उस साल के रिटर्न भी भर सकता है। तो जी हाँ, ये तीसरा साल जो था वो मेरा सेक्शन 119 से रिलेट करता था, जो कि मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा एज पर द नॉर्मल प्रोविजन की आप ज्यादा से ज्यादा करंट ईयर का रिटर्न भर सकते हैं और आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं 1 साल पीछे का, यानी जैसे आपने इनकम अर्न करी 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 की। अगर आप इंडिविजुअल थे तो आपको रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या थी, जुलाई, 31 जुलाई, और कंपनी के केस में 30 सितंबर। तो आपने ड्यू डेट में फाइल नहीं करी तो आपके पास ऑप्शन था कि आप दिसंबर तक भी फाइल कर सकते थे। दिसंबर तक भी नहीं करी तो आपके पास ऑप्शन था कि आप फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट whichever is earlier, यानी अगर हम इसको आसान शब्दों में कहें, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपने 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो मार्च, जी हाँ, ये मार्च 31 मार्च 2020 से पहले आप उस साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं और 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 की रिटर्न आप मार्च के जस्ट नेक्स्ट डे फाइल कर सकते हैं, यानी 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को फाइल कर सकते हैं, यानी आप 2 या 3 अप्रैल तक 2 साल के रिटर्न फाइल कर सकते हैं और 119 की पावर एक्सरसाइज करते हुए आप पिछले या तो थर्ड ईयर या उसके पीछे वाला, थर्ड ईयर से भी पीछे वाले साल के लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। आज आप 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं 31 मार्च 2020 से पहले, तो तकरीबन आपके पास 10 से 15 दिन है। अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है तो आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। दूसरा, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 यानी करंट ईयर का आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं मार्च जैसे ही खत्म होता है उसके बाद। मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि ड्यू डेट नॉर्मली होती है इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई, लेकिन कंपनी के केस में ड्यू डेट होती है 30 सितंबर। और बिलेटेड रिटर्न, जी हाँ, बिलेटेड रिटर्न फाइल हो सकती है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट रिटर्न्स। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि रिटर्न फाइल कर लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे बताया गया, अगर आप किसी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसमें, जो कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, कनाडा, इन कंट्रीज में अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपकी पास्ट ईयर रिटर्न मांगी जाती है। दूसरा, अगर आपकी इनकम बिफोर गिविंग एनी एग्जेम्पशन मोर देन स्लैब रेट, जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है उससे ऊपर है, तो भी आपकी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होती है, नहीं तो आप पे पेनल्टी लग सकती है रिटर्न ना फाइल करने की। तो पेनल्टी बचाना है, वीजा अप्लाई करना है तो रिटर्न फाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है बैंक लोन की, वो कहते हैं कि हमें बैंक लोन चाहिए और उसके लिए 3 साल की रिटर्न चाहिए। तो 3 साल की रिटर्न किस तरह फाइल कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया है। 2 साल की आप भर सकते हैं 31 मार्च से पहले पहले पिछले साल की भरो, इस साल की मार्च से यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में भर दो, 2 साल हो गया और 119 की पावर एक्सरसाइज करते हुए आपकी तीसरे साल की रिटर्न भी पॉसिबल है। लेकिन उसमें थोड़ा सा, अगर छोटा एसएससी है तो जनरली उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देना और वहां पर रिक्वेस्ट करना, थोड़े चार्जेस भी होते हैं एप्लीकेशन बनाने के। तो छोटे एसएससी के लिए मैं रेफर नहीं करना चाहूंगा कि आप किसी सीए को हायर करें, एक अच्छी फीस दें, उसके बाद आप अपनी पिछले 3 साल की रिटर्न भरवाएं। लेकिन फॉर द सेफ्टी पर्पस आप 2 साल के भी भर सकते हैं और 1 साल की आने वाले टाइम में, तो 3 साल की रिटर्न तो आपकी फुलफिल हो जाएगी और ये जो रिटर्न होता है ये आपका इनकम का प्रूफ माना जाता है।
अगर आपको हमारा इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस इन केस ऑफ एनी क्वेरी एंड यू कैन मेल अस इन केस ऑफ एनी क्वेरी। एंड वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इनकम टैक्स रिलेटेड रिटर्न से रिलेटेड जानकारी और लोगों को भी मिल पाए। थैंक यू।